हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे आज की क्लास में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इनके लिए आपको एक फिक्स मेथड बताऊंगा जिसमें इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जिसको सॉल्व करके सभी को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सबको समझ में आ गया है मेथड। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक ट्रेन 1 आवर लेस, 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से टू कवर डिस्टेंस 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। जब मैसूर से बेंगलोर जाना होता है तो एक एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है। अब हमेशा याद रखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दो स्पीड होंगी। दो स्पीड मीन्स एक ही ट्रेन की दो स्पीड भी हो सकती हैं। जैसे बोलेंगे क्वेश्चन में कि स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया है या डिक्रीज कर दिया है, या दो अलग अलग ट्रेन होंगी। तो यहाँ पे दो ट्रेन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, या किसी को भी हम पहले ले सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। देखो यहां पे हमें एक बात मिल गई है कि स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई। तो जैसे मैंने ऊपर बोला था कि हर क्वेश्चन में दो स्पीड होती है, तो ये दो स्पीड आ गई। फिर आप हर किसी क्वेश्चन में लिखोगे कि डिस्टेंस कितनी है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं इससे आप हर क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमेशा याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में ये चार चीजें लिखनी है, दोनों स्पीड कम या ज्यादा जो भी होंगी, डिस्टेंस और फिर ये। अब आपको क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस में देखो 132 किलोमीटर है, 132। अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स, और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लिया पैसेंजर ट्रेन ने, ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है। 132 अपॉन एक्स प्लस 11, ये किसका टाइम है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। एक्सप्रेस ट्रेन यानी दिस पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर से 1 आवर कम लेती है, इसलिए हमने इधर माइनस कर दिया। हमेशा याद रखेंगे कि दोनों को इक्वल रख के फिर हम प्लस या माइनस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और वैसे एक बात आपको और बता दूं, हर किसी क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अगर इधर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस होगा, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगी टाइम ऑब्वियसली रिड्यूस, तो टाइम हमेशा कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं और फिर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो 132 कॉमन ले लेते हैं। अब ये पूरा करके मैं दिखा देता हूं आपको, फिर अगला क्वेश्चन में होमवर्क के फॉर्म में दूंगा आपको। तो एक्स और एक्स प्लस 11, तो यहां पे x प्लस 11 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 टू जा 22, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इस इक्वेशन के
फैक्टर करने होंगे। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हो फैक्टर, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो भी आपको सही लगे वो आप खुद भी कर सकते हो। वैसे मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के फैक्टर थोड़े से टिपिकल हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को मिडिल टर्म फैक्टर करने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे, जिसमें मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने का बहुत आसान तरीका बता रखा है। इसके फैक्टर्स होंगे ये, तो ये हमने इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 एंड माइनस 44 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यानी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो गई, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर ज़्यादा थी। तो ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा, हर किसी क्वेश्चन में आपको पहले दो स्पीड लेनी है, एक कम एक ज़्यादा, फिर डिस्टेंस, फिर टाइम का फॉर्मूला लगा कर इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, फिर भी मैं इसको हल्का सा सोल्व करके बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, यानी दो स्पीड हो गई, एक यूजुअल स्पीड एक्स और उसके बाद इंक्रीज करिए, तो इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई एक्स प्लस 5। देखो जैसे ऊपर मैंने बताया था वैसे ही, फिर डिस्टेंस कितनी है 360, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 360 अपॉन एक्स यूजुअल स्पीड, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इंक्रीज स्पीड। अब आप बताओ 1 आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बताया कि ताकि आप खुद ट्राई करो। तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम पहले से कम लगेगा, तो इसलिए इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन दोबारा पढ़ के पूरी इक्वेशन भी दोबारा आपको बनानी है। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, वहां से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।